एनआरसी पर भी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी, सीएबी पर भी, और हम अपनी राय बता चुके हैं। हम और श्री प्रशांत किशोर गुवाहाटी गए थे एंड वी एक्सप्रेस अवर सॉलिडरिटी विद आसू, विद द फाइटिंग स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेसिनेसू एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जेडीयू अपने उसी पुरानी स्टैंड के साथ अभी है जब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास करके अपना रुख स्पष्ट किया था कि इससे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, आसाम समेत, जो सबकी जो सॉवरेंटी है वो चैलेंज होती है और जो उसकी नेशनलिटी है या सब नेशनलिटी है वो डाइल्यूट होती है। हम अपने अभी पुराने स्टैंड के साथ हैं। इसी बीच में गृहमंत्री जब गए थे आसाम में तो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि वो इसके फेवर में नहीं है। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इसको लेकर के सोल सर्चिंग करेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। अब समय आ गया है कि लोकसभा में बिल रखने से पहले नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबसे बातचीत करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके नए तरीके से बिल बनाया जाना चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करने में कामयाब हो सके। अगर इस बिल को जेपीसी को सौंपा जाता है और जेपीसी यूनैनिमसली किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है तो जेडीयू को प्रसन्नता। बिल को आने दीजिए, मुझको उम्मीद है दैट द गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगी और जो बिल आएगा इट विल नॉट हर्ट द सेंटीमेंट ऑफ द नॉर्थ। एनआरसी को लेकर के भी हमारी पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट है। आसाम गण परिषद, आसू और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो आसाम अकॉर्ड है उसको ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था और हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें कट ईयर कट डेट साबित करने के बाद इसको इसके लिए ये बनाया था, अपना एक एनएसी बनाया था, एनआरसी बनाया था और एनआरसी का रिकमेंडेशन था जिसमें से कुछ लोगों का इंक्लूजन हुआ, किस लोगों का एक्सक्लूजन हुआ, तो भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने तब भी इसको इंप्लीमेंट करने में हिच जाहिर की थी यद्यपि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था। नंबर एक। नंबर दो, एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए है जहां 1947 से ही घुसपैठ जारी थी, 71 में और ज़्यादा बढ़ी और आसाम की जो अस्मिता है जब दाव पे लगती दिखाई दी, वहाँ के छात्रों ने, नौजवानों ने आंदोलन किया और वो कामयाब हो गए एनआरसी का गठन कराने के लिए। अब वहाँ की सरकार ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया है तो जब आसाम की सरकार ही उसको रिजेक्ट कर रही है तो इसका ऑल इंडिया स्वरूप क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आता है, नंबर एक। नंबर दो, अन्य राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का, तो जब आसाम की सरकार ही उसको रिजेक्ट कर रही है तो इसका ऑल इंडिया स्वरूप क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आता है, नंबर एक। नंबर दो, अन्य राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्टिव नहीं है। नंबर तीन, केंद्र सरकार ने भी अभी कोई अध्यादेश नहीं जारी किया है। नंबर चार, ये अभी पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना है अगर इसको कोई कानून बनना है। जब ये इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी तब हम अपनी राय उसके सामने रखें।